इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में हूं। ये रविदास मोहल्ला है और जिस घर को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले आप इस घर को देख लें। इस घर के रहने वाले जो घर के ओनर हैं, उनका नाम है अनूप चंद राम। उन्होंने एक सपना देखा था कि उनका जो बेटा है अभिषेक रवि, वो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनकर परिवार की कहीं ना कहीं माली स्थिति सुधर जाएगी, देश दुनिया में नाम रोशन करेगा। लेकिन उस परिवार को कहाँ पता था कि जिस बेटे को वो इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे, और अभिषेक रवि ने भी बिल्कुल मेहनत करके और अपने दम पर एंट्रेंस एग्जाम निकालकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन आज अगर बात करें तो इस घर का जो माहौल है, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि बेटा इंजीनियर तो नहीं बन सका, लेकिन उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि उड़ीसा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अभिषेक रवि पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। हालांकि कॉलेज के द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी जो मौत हुई है वो सीढ़ी से गिरने के दौरान एक हादसा हुआ है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि ये रैगिंग हुई है और कहीं ना कहीं हत्या हुई है। इस वक्त मैं अभिषेक रवि के घर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके घर में परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं उन्हें ये इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस अपने मोहल्ले को बेटे को वो इंजीनियर बनता हुआ देखना चाह रहे थे, आज उस बेटे की मौत के बाद उन्हें उस परिवार को संतावना देने के लिए पहुंचना होगा। और इस वक्त अभिषेक के पिता भी हैं। कब हाँ। आप लोग को जानकारी लगी कि बेटे के साथ ऐसा हो गया है? 13 तारीख को 11:30 बजे फोन आया कॉलेज से, आपका बच्चा सीढ़ियों के नीचे गिर गया है, अब तुरंत आ जाइए। और फिर एक दो घंटा के बाद बोलता है कि उसको हम नहीं बचा सकते। तो ये सारा गलत है, उसका पहले ही वो उसके साथ घटना घट गया। क्या था? क्या लगता है? पहले तो वो बोले कि सीढ़ियों से गिर गया है। वो सीढ़ियों से गिर गया है, लेकिन जब वहां पर हम तो थाना गए, रात को थाना गए, फिर पोस्टमार्टम हो गया। उड़ीसा में हुआ? सब उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। कौन सा कॉलेज था? ITR शिक्षा, ITER शिक्षा और अनुसंधान, सोवन सिटी जो है उसी का कॉलेज है। हाँ, तो वहाँ पर हम तो ये बच्चे के साथ लगे रहे थे पोस्टमार्टम कराने में, लेकिन हमारी बच्ची लोग गई वहाँ पर और जो वहाँ का सिचुएशन देखी उसके साथ बहुत जाती हुआ। क्या मतलब जाती, मतलब क्या हुआ था उसका? तो देखिए, तो उसका जो रूम का जो है ना, जो कड़ी उड़ी था, दरवाजा का टूटा हुआ था और वो फोर्थ फ्लोर में था, तो पांचवा फ्लोर में भी वहाँ खून था, चौथा में भी था, सेकंड में भी था। तो उसको जो है बहुत जबरदस्ती से उसकी हत्या की गई है, रैगिंग के चलते हो, चाहे जातीयता के चलते हो, जैसे भी हो, गलत हुआ है उसके साथ। तो आप लोगों ने इसको लेकर के थाना में शिकायत किया? हाँ, थाना में किया है शिकायत। अब वहाँ का थाना और पुलिस और वहाँ कॉलेज प्रबंधन सब मिला हुआ है, समझ गए, उसे वो लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए और हमारे आए हुए हैं भीम आर्मी के लोग, हम लोग इसको आगे तक लड़ेंगे, अंतिम पैदान तक लड़ेंगे और उस बच्चे को न्याय दिलाएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़कियां हैं और वो लड़का एक था, छोटा। इकलौता लड़का था वो? जी, इकलौता बेटा था आपका? जी अभिषेक जी। कब उसने दाखिला लिया था? 10 तारीख को तो मैंने दाखिला ही लिया है, बस 10 सितम्बर को, मतलब हाँ, बस 2 दिन में घटना घटी है। 10 को एडमिशन कराया, 11 को उससे बात हुई। फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा? जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा। तो गए उसको 2-3 दिन हुआ, 10 को गए, 11 को फोन किए, बहुत अच्छा था, और 12 से फोन उसका एंगेज आने लगा, मतलब तीसरे दिन ही उसकी, हाँ तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। ऐसा होता ना कि 2-3 साल पढ़ रहा है, कोई डिप्रेशन है, कोई पढ़ाई का, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत खुश होकर यहाँ से गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, ये कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए। तो लगता है कि जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है तो अब आप लोगों को न्याय मिलेगा? होना तो चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर इस पर इंटरेस्टेड है, एक झारखंड के गरीब बच्चा के साथ ऐसा घटना घटा है और उस खुद संज्ञान ले रहे हैं, बहुत उम्मीद है हमें। आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ सर। कहाँ पर? अनगढ़ा ब्लॉक में। और परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में 3 बच्चियां हैं, पत्नी है, मेरे भाई लोग हैं, बेटा एक ही था मेरा। बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक की बहन भी, आप बहन है उनकी? जी हम बहन हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है। क-
कब जानकारी लगी थी आप लोगों को? आप गए भी थे भाई को देखने? हम अपने भाई को गए भी थे देखने के लिए सर। जैसा कि पहले बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गया, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन जब हम लोग हॉस्टल गए और वहाँ हॉस्टल जाके जब देखे तो वो सीढ़ियों के बीच में, जो सीढ़ियों का जो रेलिंग होता है उसके बीच से फिफ्थ फ्लोर से वो बेसमेंट पे गिरा था। तो और उसका रूम फोर्थ फ्लोर में था और उसका चप्पल जो है फिफ्थ फ्लोर में पाया गया, और चप्पल का हालत बहुत ही गंदा था, बहुत ही उसको लग रहा था रौंदा गया, बहुत ही गंदा हालत था। तो और क्या लगता है कि उसको नीचे फेंक दिया गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको नीचे फेंका गया है क्योंकि उसको नीचे इसलिए फेंका गया क्योंकि जब वो गिरा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेसमेंट में जाके गिरेगा तब तो उसको चोट लगेगा ना, तब तो उसका ब्लड ब्लड निकलेगा। उससे पहले ही ब्लड कैसे निकल गया? उससे पहले ही सीढ़ियों में ब्लड कैसे लगा हुआ था? थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में कैसे ब्लड लगा हुआ था? और फिर सेकंड फ्लोर का रेलिंग जो है उसको काट दिया गया था। सेकंड फ्लोर का रेलिंग को क्यों कट गया किया गया है? और उसका रूम फोर्थ फ्लोर में था जिसका रूम का कुंडी जो हैंडल है वो टूटा हुआ था, और उसका रूम में सर सब कुछ सही से रखा हुआ था, सब कुछ, उसका तौलिया वगैरह सब कुछ अपने रूम में वो अच्छे से सजाया था, वो पढ़ना चाहता था सर, और उसका तौलिया वगैरह सब देख के लग रहा था कि वो यूज़ कुछ नहीं किया है उस। और सर ये जो हादसा है सर वो हम लोग को 13 तारीख को बताया गया है, लेकिन उस ये जो हादसा ये पहले हो चुका है, पहले घट चुका है। अच्छा, लास्ट बात हम लोग का आपके पापा ने बताया कि वो 10 तारीख को ही रांची से गए थे वहाँ। हाँ, और दो दिनों के बाद ही ऐसा हादसा हो गया। जी हादसा जो है सर 11 तारीख को हुआ है, मतलब वो गए थे उसी दिन दूसरे दिन हुआ है ये घटना। अच्छा, उनके रूममेट से आप लोग जानने की कोशिश किए जो अगल बगल उनके साथ जो रूम वो सब कॉलेज जो है ना उन लोगों को माइंड वॉइस कर दिया है कि तुमको ऐसा ऐसा बोलना है, लोग कहना है रूममेट का 11 तारीख को हम लोग 13 तारीख को हम लोग साथ एक साथ नाश्ता कर। टेंथ तो बिशप से पढ़ा है, बहु बाजार बिशप से टेंथ और ट्वेल्थ गुरु नानक हाई स्कूल से। क्या उम्र थी? उम्र का 19 साल था मात्र, 19 ईयर्स। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 12 तारीख को उसका बर्थडे भी था, 12 सितंबर को। अच्छा, मतलब जिस दिन मौत की खबर मिली उस दिन उसकी जन्मदिन थी सर। मौत की खबर नहीं मिली सर, मौत की खबर तो 13 को मिली है। मौत की खबर तो 13 को मिली है। अच्छा, तो बर्थडे आप लोग विश किए थे? बर्थडे हम लोग कॉल करते सर, सुबह से रात पूरा कॉल किए हम लोग, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाया सर। लास्ट दिन के दिन बात नहीं हुई आप लोगों से? हम लोग बस मैसेज कर पाए उसको क्योंकि कॉल वो उठा ही नहीं रहा था, हम लोग उसको कॉल कर करके थक जा रहा था उसको। 11 तारीख को हम लोग का लास्ट बात हुआ है, 11 तारीख को हम लोग का 11:30 बजे पापा का मेरे भाई से लास्ट बात हुआ है, उसके बाद उससे कोई बात ही नहीं हुआ है सर। और वो पुलिस कंप्लेन लॉन्च किया था रैगिंग के अगेंस्ट में, जो कि odishatv.in वेबसाइट में आया था कि अभिषेक रवि ने पुलिस रैगिंग के अगेंस्ट का ये कर दिए थे। 10 तारीख को वो गए तो उन्होंने रैगिंग का कब किया? 11 को ही किए होंगे क्योंकि 11 के लास्ट बात 11 को ही हुआ है, तो हो सकता है 11 को उसके साथ रैगिंग हुआ और 12 को उसने फोन नहीं उठाया, मतलब वो उस समय नहीं होगा। अगर वो होता तो जरूर फोन उठाता हम लोगों का और जरूर बात करता, उस दिन उसका बर्थडे था, वो जरूर हम लोगों से बात करता वो। अच्छा, यहाँ पर कुछ मोहल्ले की भी महिलाएं हैं, आप कौन है? मैं बड़ी मम्मी उसकी। अच्छा, बड़ी मम्मी। हाँ। बचपन से आप लोग देखे थे? हाँ। बच्चा इतना सीधा साधा, इतना अच्छा बच्चा ना कि बोले नहीं सकते हैं। बहन लोग से भी हर टाइम मजाक करते रहना, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता हूँ। और खास बात यह है सर कि उसका मोबाइल क्यों नहीं टूटा? उतने ऊपर से पॉकेट में मोबाइल था, जब कपड़े फट गए, चोट लग गया, मोबाइल क्यों नहीं टूटा? पुलिस का मोबाइल उसका मतलब पॉकेट में था, तो पॉकेट में था तो टूटा क्यों नहीं? हाँ, मोबाइल जो है उसको दे भी नहीं रहा पुलिस वाले, हम लोग को नहीं दिया मोबाइल। और लास्ट वो 11 को फोन किया है कि 12 को वहाँ कंप्लेन भी किया है कि मेरे साथ रैगिंग हुआ है, किसी से हम लोग को पता चला इसके पुलिस भी आया था। और वहाँ के एक लोकल ड्राइवर मिले थे, वो बोले कि अभिषेक रवि जो ITR कॉलेज में पढ़ता है उसका डेथ का न्यूज हमको 12 तारीख को सुबह सुबह 1:30 बजे पता चल चुका था उनके अकॉर्डिंग। मतलब ये जो हुआ है वो उसके साथ 11 तारीख रात को ही हुआ था। और जब मेरे पापा लोग, जब हम लोग को इन्फॉर्म किया गया 13 तारीख को 12:30 बजे कि आप की पुलिस हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो जब मेरे पापा लोग उसी दिन 13 तारीख को ही पहुंचे थे 11:30 बजे रात को, तो इतना जल्दी तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, तो फिर बॉडी कैसे डिकम्पोज हो गया इतना जल्दी? इसका मतलब यही है कि उसका डेथ पहले ही हो चुका था, तब। अच्छा, तो उसका बॉडी डिकम्पोज होगा। हम लोग उसका जस्टिस के लिए मांग करते हैं कि जो इसमें आरोपी उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग भी इन्वॉल्व है सब कोई को सजा दिया जाए, इंसाफ चाहिए हम लोगों को। मैं चचेरा भाई हूँ, क्योंकि बचपन से देखा है और देख करके मतलब इतना सीधा, हाँ, सबका बात मानने वाला और खुश रहने वाला,
तो मतलब जब ये न्यूज आई तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसा कैसे हो सकता है। और वहां पे लोगों ने कहा कि घटना घटी है, नहीं ये घटना नहीं घटी है, उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। और आज नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, 2004 में भी एक बार ऐसा घटना घटा था मेरे मोहल्ले में। दीपक नाम का, कुश नाम का लड़का को यहाँ पे नवोदय विद्यालय में मार दिया गया था, लेकिन उस समय ना सोशल मीडिया थी ना कुछ था, और हम लोग भी छोटे थे। लेकिन अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा एक डिमांड है कि सीबीआई जांच इसमें चाहिए, और सीबीआई जांच हमें इसमें होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया, हेमंत सोरेन जी ने भी ट्वीट किया है, संजय सेठ जी भी आए थे, तो सब लोगों ने अप्रोच किया, और हमारा एक डिमांड है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो भी अपराधी, पहले यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, हाँ रघुवर दास, रघुवर दास से मैं मिल भी चुका हूँ, रघुवर दास ने मेरी फिल्म की ओपनिंग भी की है, और रघुवर दास आज उड़ीसा के गवर्नमेंट के और गवर्नर है। तो मेरी हम लोगों की सीधे सीधे डिमांड है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि साफ है, कॉलेज मिला हुआ है, थाना मिला हुआ है, और जिस कॉलेज का वो हॉस्पिटल है वहां पे पहले ले गया गया, ये सब कुछ मामला है। क्योंकि मेरी बहन ने जैसा बताया कि सीढ़ी में खून लगा हुआ, यहाँ खून लगा, वहां खून लगा, मतलब लोग मरने से पहले खून बहा दिए, ये तो क्लियर सी बात है। अभी हाथ टूटा हुआ है, पीछे बैकबोन टूटा हुआ है, तो मतलब ये, और वो कहा गया कि फेस के बल गिरा, अगर वो फेस के बल गिरा है तो उसका पीछे सर कैसे फटा हुआ है, उसका बैकबोन कैसे टूटा, उसका हाथ कैसे टूटा, वो तो फेस पोस्टमार्टम हुआ है क्या? पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन हम लोग को उसका रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है अभी तक, नहीं उसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। हम लोगों ने कल कॉल किया था, पता किया था कि कब तक दिया जाएगा, तो उन लोगों ने कहा कि 10 दिन के बाद दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं एक दूसरी तस्वीर, ये पिता जो अपने इकलौते बेटे को जिन्होंने खो दिया है, वो कहीं ना कहीं मूर्छित हो जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जैसा बताया यहाँ के लोगों ने कि 3 बहन और 1 भाई, मतलब एक लौता बेटा इनका था अभिषेक, और एक पिता के ऊपर क्या वो पहाड़ टूट रहा होगा दुखों का, उसे तो शब्दों में बयां कर पाना ही मुश्किल है। कौन मम्मी है? अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि जिनका बेटा ये हुआ होगा, इंसाफ। तो आपका बेटे का जन्मदिन भी था जैसा यहाँ पता चला, तो जन्मदिन के लिए आप लोग फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठाया। तो लगता है कि उसी दिन उनके साथ हादसा हो गया। हाँ सर, उसी दिन या उसके एक दिन पहले रात में ही, 11 तारीख को रात में ही उसके साथ कुछ किया गया। मतलब एक दिन में 10 तारीख को बेटा वहाँ जाता है और किसका दुश्मन बन जाएगा सर, किसका क्या बिगाड़ दिया हम लोग सर। 3 दिनों में उसकी लाश घर आ जाती वापस? जी सर, हम लोग देखिए सर, हम लोग दलित परिवार से, हम लोग बहुत गरीब परिवार से, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे थे। क्या हम लोग गरीब है तो हम लोग गरीब ही रहे, हम लोग का बच्चा लोग आगे नहीं बढ़े, ऊंचा तो, जाति का आगे आगे बढ़ेगा, नीचा जाति का आगे नहीं बढ़ेगा। ये जाति समझ के ही मर्डर किया गया है, जाति देख के ही मर्डर किया गया। नीचा जाति देख के ही मर्डर किया। हम मौसी हुए, मेरे बेटा हुए, मेरे बेटा एक जैसा मेरे बेटी बता रही है वो मर्डर केस है, इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, 10 दिन के अंदर में ही चाहिए इंसाफ। रात के टाइम पे ले जा रहा है, मतलब उनके परिवार के द्वारा एक तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये कब की ये है घटना? ये रात के टाइम पे ले जाया जा रहा है सर, लेकिन हम लोग को तो दिन में इन्फॉर्म किया गया ना कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मतलब कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तब 10 दिन के अंदर में हम लोग को इंसाफ चाहिए, पूरा हर तरह से ही कर दिया है। यहाँ पर मोहल्ले के और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम बोलना ये चाहते हैं कि हम लोग को गरीब रहेगा क्या, हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे क्या, हम लोग को बाल बच्चा बाहर पढ़ना नहीं चाहेगा, हम लोग को सारे बच्चा लोग तो बाहर पढ़ना चाह रहा भाई, हम लोग कुछ आगे बढ़े कुछ पढ़े, लेकिन हमारा के साथ हम लोग दलित है, इसलिए हम लोग के साथ बहुत ज्यादा हर जगह ही हम लोग के साथ छेड़खानी होता है, हम लोग को बच्चा लोग को बहुत शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण है। बताएं कि ऐसे कारण भी हो सकता है हत्या का, ये बात आप लोग बताए थे वहाँ? हम तो नहीं गए थे, लेकिन हमारे बच्चे लोग गए थे, उनकी मम्मी गई थी, उन्होंने बताई उनको कि हमारे बच्चे लोग को सब कुछ बोला गया, लेकिन ये लोग बात वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, ये लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को बस एक ही कहना है कि हमको सीबीआई जांच होना चाहिए, और ये आईटीआई का जांच होना चाहिए। बड़ी लॉबी है, ठीक है, वो आईटीआर कॉलेज है ना, उसकी प्राइवेट कॉलेज है, बड़ी लॉबी है, और वो अपनी लॉबी के दम पे ना पुलिस प्रशासन को उसका काम करने दे रहे हैं, ना जिस जब बॉडी जहां पे अस्पताल में ले गया था वहां पर भी उन लोगों ने गलत किया है, इसलिए हम लोगों ने, मेरी बहन ने उनका पोस्टमार्टम एम्स में कराया है।
सर जो, और जिस दिन हम लोग वहाँ पहुंचे थे 14 सितंबर को, उस दिन पूरे कॉलेज में छुट्टी कर दिया गया, सारे कॉलेज के स्टाफ लोग मिल के हम लोग और 14 को हम लोग पहुंचे वहाँ पे देखने के लिए हॉस्टल में क्या है नहीं है, तो वहाँ उस दिन छुट्टी कर दिया गया, वो लोग को पता था कि हम लोग आ रहे हैं तो छुट्टी कर दिया गया, जबकि वहाँ के स्टूडेंट बोले कि पहले भी डेथ हुई है स्टूडेंट की लेकिन छुट्टी तो नहीं दिया गया एक दिन के लिए, इसमें क्यों दिया गया छुट्टी? मैं उसकी छोटी दीदी बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा भाई ये बताइए कि वो मतलब किस माध्यम से एडमिशन उनका हुआ था, कैसे हुआ था एडमिशन वहाँ उस कॉलेज में? जेईई मेंस से हुआ था उसका एडमिशन। अच्छा, जेईई वो पढ़ाई में काफी अच्छा था मेरा भाई, बहुत मतलब बहुत मेहनती था, उसके 10th में 65 आई थी, 12th में उसकी थोड़ी मतलब 57-58 आई थी, हाँ क्वालिफाई हुई थी, काफी पढ़ाई में अच्छा था वो, और इंजीनियर बन, और मेरा एक्साइटेड था वो खुश था, आईएएस भी बन सकता था, वो आईएएस भी बन सकता था, आज के रेंज में वो लोग आईएएस बन सकता था, आईएएस बनने के लिए ही गया था मेरा बच्चा, लेकिन वो लोग आईएएस बनने नहीं दिया, क्यों? इसलिए कि हम लोग उन पर राज करेंगे, कहे वो लोग राज करो, वो लोग आईएएस बनेगा, वो लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो लोग को सारा बच्चा लोग सब कुछ बने, और हम लोग बच्चा लोग कुछ भी नहीं बने, हम लोग बच्चा क्या बने, हम लोग बच्चा क्या करे, होता था उसको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता तो वो पापा को जरूर इन्फॉर्म करता था या मम्मी को, और उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया सर। लास्ट जो 11 तारीख को 11:30 बजे बात हुआ है सर, उसके बाद वो उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ भी होगा तो उसका 11 सितंबर 11:30 बजे दिन में बात हुआ था उससे मेरे पापा का, उसके बाद बात ही नहीं हो सर, अगर उसको कोई दिक्कत भी हुआ होगा ना तो उसको फोन छीन लिया गया सर, उसको बताने का मौका तक भी नहीं मिला, उसको थोड़ा सा भी चोट भी लगता था तो वो जरूर बताता था। अच्छा, उसके रूममेट से आप लोग गए थे तो बात किए हैं? कौन कौन लोग? मेरी दीदी गई थी, हाँ, रूममेट से जब हम लोग मिले तो वो बोले कि 13 तारीख को वो नाश्ता किया था उसके पास, रूममेट क्या बोले कि 13 तारीख तक, हाँ 13 तारीख तक वो जिंदा था और नाश्ता भी करने गया था, और उसके बाद 10:30 बजे वो लोग उसको बोला चलो बाहर घूमने, तो अभिषेक जो है वो बोला कि अभी हम नहीं जाएंगे तुम लोग चले जाओ, और वो लोग चला गया 10:30 बजे, और उसके बाद 11 बजे वो उस मर जाएगा इतना जल्दी, मतलब दिन में ही हुआ? हाँ, दिन में जब हम लोग वहाँ हॉस्टल में गए थे दिन में इतने सारे बच्चे आ रहे जा रहे उसी सीढ़ी से, और अगर मेरे भाई के साथ दिन में ये हुआ तो कोई क्यों नहीं उसको देखा, बोला जा रहा है कि कोई भी उसको नहीं देखा गिरते हुए, कोई भी नहीं देखा गया है गिरते हुए। तो की बात ये है ना कि 12 तारीख को बर्थडे था, सुबह से शाम तक कॉल किया गया, वो कॉल नहीं उठाया, तो हम लोगों को लगा ये बात कि बिजी होगा ये होगा, अगर मान लीजिए बच्चा ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो गौर कीजिएगा, बच्चा स्टेटमेंट दे रहा, उसके क्लास में स्टेटमेंट ये दे रहे कि 13 तारीख को नाश्ता किया गया, तो मतलब 12 तारीख को इतना घर से कॉल गया है, वो बच्चा ना समझे कि कॉल बैक नहीं करेगा अपने पापा को दीदी को, मतलब ये झूठ है। ये कॉलेज प्रशासन जो है, कॉलेज प्रबंधक जितने लोग हैं उन लोगों ये स्टेटमेंट बनवा करके बच्चा लोग को बोला, रट करके बोलिए ये है सच्चाई। हाँ, वो लोग सब यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, मोहल्ले के हैं, समाज सेवी है, डोंडा से हम लोग परिवार ही है, बगली में हम लोग भी रहते हैं, तो सबसे पहला कि देखिए अब तो ऐसा जांच आ गया है ना कि कहीं पर कुछ नहीं, मतलब कि हर जगह क्लियरेंस हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका नहीं मिला है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोले 10 तारीख को देंगे, 10 तारीख को 10 दिन के बाद बोले है ना, 10 दिन का, लेकिन सीधा सीधी कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, डायरेक्ट ये हत्या, और इसका CBI जाँच होना चाहिए, घर बच्चे को घर वाले को पूरा सहयोग मिलना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से भी, और हर सहयोग हम लोग तो साथ में ही है, लेकिन इसका न्यायिक जाँच CBI जाँच करिए और बच्चा को न्याय दिलाइए ताकि परिवार वाला को थोड़ा सा सद्भावना। कौन सा कॉलेज में थे ये पूरा डिटेल बता दीजिए? देखिए ITER कॉलेज में थे, पूरा एड्रेस भुवनेश्वर, मतलब मात्र 3 दिन ही वो पढ़ने के लिए वहाँ पहुंचे, बस 10 को एक्साइटमेंट मतलब खुश था, 10 तारीख को पापा गए थे, मतलब चाची जी मेरे छोड़ने गए थे कॉलेज 11 तारीख को, और छोड़ करके मतलब आए ही थे और ऐसा हो गया, मतलब हम लोग को किसी को बिलीव नहीं, वो इतना खुश था ना मेरा भाई, इतना खुश मतलब इतना एक्साइटेड था, दोस्त बनाऊंगा, दीदी मैं पढ़ाई करूंगा, इवन वो शॉपिंग भी किया मेरा भाई, इवन वो इतना खुश था, मम्मी पापा को दिलासा देके गया कि मम्मी मैं जॉब लेके आऊंगा, मम्मी मैं आप लोग को साथ रहूंगा, वो मेरा बच्चा का ड्रीम, इतना बड़ा ख्वाब था ना मेरा बच्चा का, इतना बड़ा ख्वाब, सबको उसको भी मार दिया, उसका ख्वाब को ही मार दिया, कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है मेरे भाई के साथ ऐसा, इतना मासूम बच्चा था ना, हाँ वो दिन भर घर पे खुश रहता था, दिन भर मम्मी से बात, मेरे से बात, हमेशा मुस्कुराते रहता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, उसको बहुत दरिंदगी से मारा गया, उसको बहुत बहुत ज्यादा उसको पेन दिया गया, वो मेरा भाई बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ वो सहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है कुछ भी नहीं कह सकते। वो बोले कि आप लोग एक लेटर दीजिए, वो हम गवर्नर तक आपका लेटर पहुंचा देंगे, जो कि हम लोगों ने भेज भी दिया है उनको, और वो ये भी आश्वासन दिए थे कि अगर जरूरत पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ चलूंगा उड़ीसा, और वहां जा करके आपका जो भी दिक्कत होगा वो मैं सॉल्व करूंगा और जांच की मांग कराऊंगा, वो ये आश्वासन दिए थे मंत्री जी। बिल्कुल, ये अभिषेक रवि का घर है, जहाँ अगर एक सप्ते पहले की बात करें तो एक खुशियां थी, खुशियां इस बात की कि अब उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया है,
उड़ीसा के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया और अब बेटा अब इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियर बन जाएगा तो परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, घर की स्थिति सुधरेगी और बेटा आगे चलकर आईएएस बनेगा। ये सपना था इस परिवार का, ये सपना था इनकी बहन का। तीन बहन और एक भाई अभिषेक रवि, यानी अपने माँ बाप का कह सकते हैं कि इकलौता एकमात्र वो बेटा था, हालांकि तीन बहन है और हैं उनकी। परिवार के आप स्थिति देख सकते हैं, माँ है वो बिल्कुल मूर्छित हैं, पिता हैं बेसुध पड़े हुए हैं, कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं। लेकिन परिवारजनों की या पूरे मोहल्ले की लोगों की अगर एक ही मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जैसा इन लोगों ने बताया कि 10 सितंबर को यहां से अभिषेक रवि गया था पढ़ाई करने के लिए उस कॉलेज में, 12 सितंबर यानी दो दिन बाद उसका जन्मदिन था, परिवार के लोग लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे थे जन्मदिन की बधाई देने के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। संदेह तो हुआ लेकिन इन लोगों को लगा कि शायद पढ़ाई में व्यस्त रहा होगा। अगले दिन यानी 13 सितंबर को फोन आता है कि आपका बेटा के साथ हादसा हो गया, वो सीढ़ी से गिर गया है। जब तक परिवार के लोग पहुंचते हैं उन्हें कुछ ही देर बाद जानकारी दे दी जाती है कि मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना है कि रैगिंग हुई है और ये सुनियोजित हत्या है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और उड़ीसा के सीएम को ये कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन जिस प्रकार का यहां मामला है, एक बेटा जो इंजीनियर बनने का सपना लेके निकला था, परिवार ने वो सपना देखा था कि बेटा इंजीनियर बनेगा, उस बेटे की अब लाश, उसकी डेड बॉडी उसके घर में पहुंची है, वो भी जन्मदिन के ठीक अगले ही दिन। फिलहाल टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।